तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फेसबुक पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। देख सकते हो मैंने आर्यन कॉलेज का एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा हूँ, जिस ग्रुप में कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, इसीलिए मैंने ज्वाइन कर रखा है। लेकिन इस ग्रुप के थ्रू कोई भी यहाँ पे मैसेज आता है तो हम उस मैसेज पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अलग तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट की मदद से ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है एंड इस ग्रुप में बहुत सारे वीडियो फोटोज अपलोड है वो हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर लिखा था सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों आता है एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ताकि हमें सारा पोस्ट दिखाई दे। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय क्या होता है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक बार दो बार रिफ्रेश करने के बाद भी हमें वो प्रॉब्लम आता है। सो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सो ये प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रॉब्लम को इंटरफेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय आपको जब ये प्रॉब्लम है तब आप लोग यहाँ पर रिफ्रेश करके देखोगे, शायद रिफ्रेश करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर रिफ्रेश करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि पहले प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर क्या करना है ये आपको फेसबुक सर्च कर लेना है। फेसबुक सर्च करने के बाद आपको अपने फेसबुक को एक बार अपडेट कर लेना है, अगर आपका फेसबुक अपडेट मांग रहा होगा तो। अगर आपका फेसबुक अपडेट नहीं मांगता है तो आपको क्या करना है, फेसबुक पे आना है एंड लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोग इस वाले इंटरफेस पर आ जाओगे। ये चीज़ आप लोग सेटिंग में भी जाकर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोरेज एंड केज, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने फेसबुक का क्लियर केज कर देंगे। क्लियर केज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद अपने फेसबुक का फोर्स स्टॉप कर देंगे। फोर्स स्टॉप करने के बाद हम अपने फेसबुक को इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद फिर से आपको अपना फेसबुक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फिर से उसी पोस्ट पे जाना है तो आपको फिर से इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। सो वीडियो को नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।